लेकिन आज पंडित जी वहाँ पर। पिया माँ ने बताया ना, पंडित जी वहाँ पर काली शक्तियों के बारे में बात करने गए। लेकिन अंश वो कांच इस तरह फर्श पर पड़ा था और वो अंश तुम नोटिस नहीं कर पाए। माँ उस पाप शोधक जल से बचकर चल रही थी। कम ऑन पिया, मैं होता तो मैं भी वही करता। कौन अपना पैर पानी में डालेगा? पता नहीं अंश, मुझे माँ का बिहेवियर थोड़ा अजीब। आदित्य? आदी? क्या हुआ आदित्य? आदि क्या हुआ आपको? टॉय से खेलेंगे? ये क्या है इसके हाथ में? ये हेयर क्लिप, ये कहां से आया इसके हाथ में? ये क्लिप तो, ये तो माँ के पास थी। माँ के पास? हाँ। मैं माँ को देकर आता हूँ। आज तुम रहने दो, मैं दे दूंगी।
मैंने एक बार इस तरीके के बारे में बताया था, अगर कोई आवाज सुनाई दी तो मतलब मेरा शक सही है, कोई गड़बड़ जरूर है। बेघर में परेशान हो रही थी। पंच सही कहता है, मैं भप्पू जनों की तरह कुछ ज्यादा ही सोचने लग जाती हूँ। पल पल न माने टिंकू जिया इश्क का मंजन घिसे है पिया। मंजन घिसे है पिया। माने टिंकू जिया, हाँ टिंकू जिया, इश्क का मंजन घिसे है पिया। आ गया आवाज, लेकिन बाल टांगने पर तो सब डायन की आवाज सुनाई देती है, वो भी तब जब बाल डायन का हो। तो क्या इसका मतलब मां डायन बन चुकी है? क्या बात है, हमें यहाँ क्यों बुलाया? मुझे लगता है मयंक इस रिश्ते से खुश नहीं है, यही बताने के लिए बुलाया होगा। मयंक, कोयल क्या बोल रही है? बेटा बेटा तुम दोनों में कोई झगड़ा हुआ है क्या? बेटा बेटा इससे कोई गलती हो गई है तो मैं इसकी तरफ से माफी मांगती हूँ तुमसे। मयंक क्या बात है बेटा, इस शादी के लिए तुम तो रेडी थे ना? हाँ माँ, मैंने शादी के लिए हाँ की थी, मैं शादी करने के लिए तैयार भी हूँ, लेकिन कोयल से नहीं, तारा से। बेटा